ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने छह राशियों की बात की थी, चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कुछ हर्डल्स आ सकती हैं, आपको फेस करनी पड़ सकती है, आपके कामों में कुछ रुकावटें आ जा सकती हैं, लेकिन आज आपको मन को शांत रखना है और दोपहर के बाद निश्चित तौर पर कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के चरण छू कर दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने पूरे कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा, मन में उत्साह बनाए रखिएगा, एफर्ट्स पूरे डालिएगा और उन सब चीज़ों से होगा क्या, आज आपको कारोबार और रोजगार के क्षेत्र में मनवांछित सफलता मिल सकती है, धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कई प्रकार की उलझनों के बावजूद जितने भी आपके प्लान जो आज काम है वो एक एक करके शाम तक पूरे हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरों के साथ रिलेशन में बहुत स्पष्ट रहिए, क्लियर रहिए, कोई भी बात गोलमाल तरीके से मत कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए माता पिता के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक मेल ले लेते हैं। एक्चुअली हमारे पास मेल आया था आरुषि जी का जयपुर से। पंडित जी, इनकी जन्म की तारीख है 26/5/1998। उन्हें अपने जन्म का जो समय है वो पता नहीं है और एक्चुअली जानना चाहती हैं कि इनका आने वाला जो भविष्य है वो किस तरह का होगा। देखिए बेटा आरुषि, आपकी जो कि बर्थ टाइम नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जब मैं बड़ी बड़ी चीज़ है वो आपको बता देता हूँ। पहली तो आपकी कुंडली में सर्पदोष है, वो सर्पदोष होने के कारण जीवन में आपको थोड़ी हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी मौका मिले, अगर आप जीवन में भविष्य के लिए अच्छा काम करना चाहती तो हर्डल्स दूर करने के लिए आपको सर्पदोष की पूजा करवानी, शनि नीच का है उसको ठीक करने के लिए आपको 6/4 रत्ती का तिकोना मूंगा लाइफ लॉन्ग धारण करना है अनामिका उंगली में, और 2017 के पश्चात में आपका समय अच्छा आएगा, यानी 2018 से आपका समय अच्छा आएगा। पंडित जी, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उषा जी हैं टोंक से, जो कि अपनी बहन विजय लक्ष्मी जी के लिए जानना चाहती हैं। विजय लक्ष्मी जी की जन्म की तारीख है 25/8/1986 और इनके जन्म का समय है सुबह का 5:40 का। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मेरे को मेरी सिस्टर है विजय लक्ष्मी, उसके लिए पूछना है। इसके विवाह में मतलब बहुत अड़चने आ रही है, कहीं बैठता ही नहीं है, रिश्ते आते हैं बात बनती नहीं है। अच्छा, और इसकी ये इसने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही है टीचर की। क्या कह रहे हो बेटा? फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी कर रही है, बीएड कर रखा है इसने। अच्छा, तो कब देगी एग्जाम? ये एग्जाम होगा जुलाई में। तो मतलब इसकी नौकरी, सरकारी नौकरी की हो गए या नहीं, और विवाह में क्या अड़चन आ रही है आप बताएं। जी बेटा, देखिए उषा बेटा, आपकी बहन जो विजय लक्ष्मी है, इसकी जन्म कुंडली अच्छी है। आप एक तो परेशान मत होइए, सूर्य स्वग्रही होके बैठा है इसके लग्न के अंदर कार्य क्षेत्र का, चूंकि अभी चंद्रमा की मादशा और राहु का अंतर पिछले इसका साल डेढ़ साल का जो समय है नेगेटिव फेस, वो अभी 21 मई को ख़त्म हुआ है, पिछले महीने 21 मई को। अब चंद्रमा की मादशा गुरु का अंतर शुरू हुआ, इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय ये चलेगा सितंबर 2017 तक। तो ये लो जो समय है, लगभग 1.25 साल का जो समय है, इस 1.25 साल के समय के अंदर इस बच्ची की विवाह का भी योग बन रहा है और उसके साथ में सरकारी नौकरी का भी इसका योग बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इस बच्ची का अश्विनी नक्षत्र का जन्म है। अक्सर मैं गणमूल नक्षत्रों के बारे में आपको बताता रहता हूँ, तो गणमूल नक्षत्र में इसका जन्म है, इसकी पूजा होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक पूजा नहीं होते, बच्चे खुद पे भी भारी रहते हैं, माता पिता पे भी भारी रहते हैं। तो आप पूछ लीजिएगा पापा मम्मी से कि अश्विनी नामक गणमूल नक्षत्र की पैदा होते 27वें दिन पूजा हुई या नहीं हुई। नहीं हुई है तो पूजा करवा लीजिएगा। बाकी इस बच्चे की जन्म कुंडली जो है वो अच्छी है और इस वर्ष के अंदर इसको निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक साल के अंदर विवाह का भी योग बनेगा और इसकी एक जो चीज़ है नेगेटिव वो ये है कि इसकी कुंडली में शुक्र नीच का है। तो यदि ये पूर्ण रूप से विवाह का सुख चाहती, कैरियर का सुख चाहती, तो बड़ा सरल उपाय बता रहा हूँ, तो डायमंड नहीं पहनना इसको,
हर शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्या को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। कभी किसी को बिस्कुट का पैकेट दे दिया, स्टेशनरी आइटम दे दिया और फैंसी आइटम दे दिया। इस तरीके से 27 शुक्रवार इस बच्ची को कोई 10 वर्ष से कम की कन्या को कुछ ना कुछ गिफ्ट करना। निश्चित तौर पर शुक्र की नेगेटिविटी खत्म होगी और विद इन ए ईयर इसकी शादी भी होगी और सरकारी नौकरी भी प्राप्त करेगी। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतिम तीन राशियों की, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के सितारे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आप शांत रहिएगा। कुछ एक्स्ट्रा काम का जो बोझ है वो पिछले काफी समय से आपके लिए जो सिरदर्द बना हुआ था आज कम होगा। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत कीजिए। अगली जो राशि है वह कुंभ राशि। आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। जो हमारे नौकरी पेशा दर्शक है, बिजनेस वाले जो दर्शक हैं, वो सावधान रहिएगा आज। जो अपने जीवन साथी की इमोशंस की कदर कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान कीजिएगा। अंतिम जो राशि वह मीन राशि। वर्किंग एरिया में आज लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा। ध्यान रखिए, ये जरूरी नहीं है कि जो कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो शत प्रतिशत घटित हो, सकारात्मक रहें। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूँ चावल अवश्य खिलाइएगा। तो दोस्तों, ये तो बात हुई राशियों की, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, मंत्र शास्त्र में बीज मंत्रों का विशेष स्थान है। मंत्रों में बीज मंत्रों को शिरोमणि माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार बीज से पौधे और वृक्षों की उत्पत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार बीज मंत्रों के जप से जो भी भक्त हैं उनको देवी ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। शास्त्रों में ये कहा गया है, बल्कि अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग बीज मंत्र भी हैं। तो अगर आप भगवान शिव की पूजा स्तुति करते हैं और आपके अंदर में परम शिव को पाने का संकल्प हो जाता है, तो इससे बढ़कर कोई उपहार नहीं है, इससे बढ़कर कोई पद नहीं है। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि इस संसार के क्लेशों से बचने के लिए, जन्म मृत्यु के शूलों से बचने के लिए, हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, मैं आपकी शरण में हूं। नित्य आने वाली संसार की यातनाओं से मैं हारा हुआ हूं, इसलिए आपके बीज मंत्र का आश्रय ले रहा हूं। आप मुझ पर प्रसन्न रहें, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं, आप साक्षी हैं, आप चैतन्य हैं। तो हे प्रभु, आप संतुष्ट होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्राप्त कराएं। सुख और दुख में मैं सम रहूं, लाभ और हानि को सपना समझूं। इस संसार के प्रभाव से पार होकर मैं पूर्णतः अपने पाप को ताप को मिटाकर आपके पुण्य स्वभाव को प्राप्त करूं। ऐसी प्रार्थना कीजिए। बीज मंत्र आप नोट कर लीजिए, जिसके जाप करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, गंभीर से गंभीर बीमारियों का नाश होता है, वायु का प्रकोप दूर हो जाता है, गठिया जैसी बीमारी दूर हो जाती है। 1,25,000 जप कीजिए, कैंसर जैसी बीमारी भी भाग जाती है। लिख लीजिए आपके टीवी स्क्रीन पर, बड़ा सरल मंत्र आ रहा है, बीज मंत्र है, ओम होम, ओम होम, ओम होम, ओम होम, ओम होम। ये बीज मंत्र है। मेरा दावा है कि प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप निश्चित तौर पर दर्द कारक बीमारियों से मुक्ति दिलाता है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।